देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे 1,20,000 रुपए का पर्सनल लोन मिला है, जिसकी टेन्योर जो है 6 महीने से लेकर हम 24 महीने तक की इस लोन को ले सकते हैं। फिर मैं आपको बताएंगे मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिससे आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। उसमें जो है काफ़ी अच्छा अमाउंट लोन अमाउंट मिलता है। ओके, एप्लीकेशन के हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। जैसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके डाउनलोड 1 करोड़ से भी ज़्यादा के डाउनलोड्स हैं। ओके, एंड यहाँ पे इसकी रेटिंग आप खुद देख सकते हैं 4.7 स्टार की रेटिंग, जो कि अब तक की हमने जो भी लोन एप्लीकेशन देखी उनमें सबसे ज़्यादा रेटिंग इसी एप्लीकेशन को मिली है 4.7 स्टार की, और 13 लाख रिव्यूज, यानी काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। ओके, और नो डाउट ये RBI अप्रूव्ड NBFC एप्लीकेशन है, और इसमें काफ़ी अच्छे लोन अमाउंट मिलते हैं। ओके, एप्लीकेशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके के, 33 MB के। तो पहले हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके थोड़े अबाउट इस ऐप में जाके इसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं जब तक कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। ओके, अब यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, जैसे लोन पहले देख सकते हैं हम यहाँ पे 5 लाख तक के आप लोन ले सकते हैं, और जिसके हम इंटरेस्ट की बात करें तो काफ़ी कम इंटरेस्ट लगता है इस एप्लीकेशन में अगर आप बाकी लोन एप्लीकेशन से कंपेयर करें तो। जैसे इंडिया में जो टॉप 5-6 एप्लीकेशन जो भी लोन की आती है, टॉप 5 में इसकी एप्लीकेशन ज़रूर आती है। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 16 से 39% जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे टेन्योर जो आपको लोन का मिलता है, यानी पैसे चुकाने का टाइम, वो 3 महीने से लेके 5 साल तक की मिलता है, 5 साल तक की टाइम, यानी बड़े बड़े लोन भी आप ले सकते हैं इस पर। ओके, और यहाँ पे इसमें कोई भी हिडन चार्जेस और यहाँ पे फीस ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ओके, और बाकी यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं लोन का स्टार्टिंग अमाउंट है 5,000 और मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख, 5,000 से 5 लाख तक की लोन मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे आते हैं कि कौन लोग ले सकते हैं लोन। तो इसके लिए आपके पास सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो, आप ले सकते हैं लोन। ओके, मिनिमम सिबिल स्कोर जो है 600 बोला गया है, तो जनरली 600 तो सिबिल स्कोर आराम से सबका होगा, क्योंकि 710-720 तो होता ही है सबका। ओके, अगर डाउन भी अगर हो गया होगा तो 600 जो है सिबिल स्कोर मिनिमम बोला गया, जनरली होता है लोगों का। ओके, अगर आपका नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं, उनमें से आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें सिबिल स्कोर की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी भी एप्लीकेशन होती हैं। ओके, बाकी अब इससे यहाँ पर सिबिल स्कोर अगर आपका 600 है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात आती है तो यहाँ पे एज लिमिट आपकी 21 से 57 इयर्स होनी चाहिए, यानी आपकी मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए। ओके, अगर इससे कम इयर्स, मतलब आपकी एज इससे कम की है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन मिलेंगी, दो लिंक्स हमने दे रखी हैं, वो स्टूडेंट लोन ऐप है जिनमें आपको कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना होता है, बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं वहाँ से, दो लिंक्स आपको स्टूडेंट लोन ऐप के नाम से मिलेगी। बाकी अगर आपकी 21 साल से अबव एज है, 21 साल आपकी एज है, तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। ओके, बाकी लेंडिंग पार्टनर ये सब हैं, इस पर हम नहीं देखेंगे। बाकी NBFC भी है, देख सकते हैं, NBFC होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और जो कि RBI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिससे हम आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन ट्रस्टेड है। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन हमारी जो है इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ पे एक बार ओपन कर लेते हैं। इसका लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन को हमने खोल लिया है। ओके, एप्लीकेशन खुल चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है हाईएस्ट ऑफर अफोर्डेबल EMIs और इंस्टेंट डिसबर्सल, यानी डिसबर्समेंट जो होता है बहुत जल्दी होता है इसमें। तो सिंपली आपको करना है कि गेट स्टार्टेड पे नीचे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर परमिशंस बोली गई, इन परमिशंस को अलाउ करना है एंड नीचे आई अग्री पर क्लिक करना है। तो गाइस आई एग्री पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये परमिशंस हो गई, जैसे मैसेजेस की और यहाँ पे लोकेशन की ये परमिशंस हो गई, और फ़ोन कॉल वाली जो परमिशन होती है ये सबमिट कर दी। अब यहाँ पे जीमेल आईडी बोला जा रहा है कि आपको एक सबमिट करनी है, तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो भी है यू चूज़ करना चाहे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला जा रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देंगे। ओके, अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना एंटर कर दिया। अब यहाँ पे उस पर वेरीफाई किया जाएगा 1 टाइम पासवर्ड भेज के, तो OTP का हम वेट कर लेते हैं। एंड OTP आ चुकी है 418751, ऑटोमेटिकली आई थिंक टाइप हो जाएगी। एंड OTP जो आपको टाइप करनी है, ओके, देख सकते हैं यहाँ पे टाइप हो गई है, वेरीफाई हो गया एंड नेक्स्ट। ओके, अब आगे चलते हैं, देख सकते हैं OTP जो है ऑटोमेटिकली आपके में फैच हो जाएगी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे हम आपको स्टेप्स बताएंगे क्या क्या आपको डिटेल फिल करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, क्या कुछ होता है, सारी चीज़ें एप्लीकेशन में दिखाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमको रीअप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, लोन के हम रीअप्लाई कर सकते हैं। आपको हम शुरू से बताएंगे कि इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो, तो इस वीडियो को अभी आगे देखते रहिएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे शुरू से कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगती है, और फिर रीअप्लाई करके दिखाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम रीअप्लाई करके आपको दिखाएंगे एंड यहाँ पे रीअप्लाई नाउ का ये ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। आपके में डिटेल फिल करने की बात आई है। ओके, तो डिटेल बिल्कुल यही फिल करनी है, आपको दिखा देते हैं क्या क्या है डिटेल्स। ओके, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे दिखा देते हैं, ये बोला जा रहा है फर्स्ट नेम,
इस जगह पे आपको फर्स्ट नेम अपना टाइप करना है यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, ओके, और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपका नाम हो वो आपके पैन कार्ड के बेसिस पर होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है एज़ पर ऑन पैन कार्ड, यानी आपके जो भी पैन कार्ड पे नाम है आपको वही नाम टाइप करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है एजुकेशन, अब एजुकेशन यहाँ पे आना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पोस्ट ग्रेजुएट, आपकी जो भी एजुकेशन हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है आपके सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। फिर मंथली इनकम बता देनी है, अब यहाँ पे मंथली इनकम आपको टाइप कर देना है जो भी है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है फैमिली की कितनी इनकम है, तो यहाँ पे 3 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए फैमिली की इनकम, यानी के घर में जितने भी लोग हैं उनके टोटल इनकम जो है सबकी आप जोड़ लेंगे, तो महीने सॉरी साल में 3 लाख या उससे ज़्यादा है कि नहीं, ओके। तो ये डिटेल फिल करनी है, उसके बाद गेट ऑफर पे क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल हम फिल कर लेंगे और बताएंगे उसके बाद आपको कि हमको कितने रुपये का मतलब कितने रुपए का ये लोग लोन ऑफर दे पा रहे हैं इस टाइम, ओके ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लोन ऑफर आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे 1,20,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है, यानी हम कम से कम जो हमको लोन मिला है वो 10,000 रुपये का है, 10,000 रुपये और मैक्सिमम में 1,20,000 रुपये। इनमें से जो भी हमको चाहिए हो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 जो भी हमको पैसे मतलब जितने के भी ज़रूरत होते का लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे लेट से 1,20,000 रुपये का हम पूरा का पूरा अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमको कितनी EMI देनी है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एक है कि 6 महीने का टेन्योर, 9 महीने का टेन्योर है, 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना, 24 महीना, यानी हमको 2 साल तक की टाइम मिल रहा है, हम जो भी EMI चूज़ करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है EMI का मंथली EMI भी देख सकते हैं कितनी है सारी EMI, ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, और इंटरेस्ट कितना लग रहा है हर महीने, यानी हर महीने जो जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो, जैसे ये सारी डिटेल्स हैं, ओके। अब इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, मतलब आपके हिसाब से ही होगा, इनमें से EMI आपको जो भी चाहिए हो वो चूज़ कर सकते हैं वो वाला प्लान। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ओके। अब यहाँ पे इसके बाद देख सकते हैं नीचे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक जस्ट अ सेकंड, जो नीचे ये वाला है कन्फर्म एंड प्रोसीड, जैसे हमने यहाँ पे 24 महीना चूज़ कर लिया कि हम 2 साल के लिए ये लोन लेंगे और लोन अमाउंट है 1,20,000 रुपये का, ओके। तो हम यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई KYC, सेटअप EMI ऑटो डेबिट जो नैच वाला होता है वो, फिर रिव्यू करना है और साइन अग्रीमेंट करना है, तो लेट्स गो पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला गया आपसे डिटेल फंड फिल करने के लिए सबसे पहले बोला जा रहा है मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, सिंगल है, मैरिड है या फिर जो भी। एजुकेशन बतानी है, फादर्स नेम टाइप करना है, मदर्स नेम टाइप करना है। घर बताना है, अब जहाँ पे रहते हैं वो खुद का घर है आपका या फिर किराए पे आप रहते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देना है, जो भी आपके पैन कार्ड सॉरी आधार कार्ड के बैक पे एड्रेस होता है वहीं यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। फिर आपको बताना है आप किस लिए लोन लेने, तो यहाँ पे हमने बता दिया ओल्ड होम रेनोवेशन, जैसे आपका जो घर है मकान है उसको थोड़ा रेनोवेट कराना है पेंट वगैरह उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज बोला गया, मतलब कॉल अगर आएगी तो उस मतलब किस लैंग्वेज में आए, इंग्लिश या हिंदी, वो चूज़ करना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया कंपनी नेम, अब यहाँ पे आपको बताना है जहाँ पे आप काम करते हैं, जैसे हमने सैलरी चूज़ किया है तो यहाँ पे कंपनी नेम बताना है, इंडस्ट्री बतानी है, कंपनी एड्रेस बताना है, या फिर जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसका क्या एड्रेस है, पिन कोड बता देना है उस एरिया का, लेट उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको KYC वेरीफाई करनी है, यानी आधार कार्ड वेरीफिकेशन, एक होता है पेपरलेस KYC, एक होता है डिजी लॉकर, दोनों सेम ही लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ ये वाला जो है फर्स्ट वाला है पेपरलेस KYC, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसमें क्या होगा, रिडायरेक्ट करा जाएगा आपको UIDAI की वेबसाइट पर, आधार कार्ड से लिंक वाले नंबर पर OTP आएगी वो फिल करना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, फिर कैप्चा कोड टाइप करेंगे, देन सेंड OTP पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे मेरे आधार कार्ड से लिंक्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगी, वो OTP फिल करेंगे और वेरीफाई कर देंगे OTP को, तो मेरा आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक शेयर कोड आपको बताना है, मतलब कुछ भी एक शेयर कोड बना लेना है, 1234 या जो भी आपको सही लगे वो आपको आगे काम आता है, ओके। नेक्स्ट अब आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यू हैव टू यूज्ड अदर नंबर टू अप्लाई फॉर अ लोन, और यहाँ पे आपको बताना है आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो, ओके। तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर टाइप करना है यहाँ पे एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सेल्फी एक लेनी है, आपको मतलब एक फ्रंट कैमरे के सामने एक फ़ोटो अपनी खींचनी है, जिसमें आपको ना तो कैप पहननी है ना तो ग्लासेस, सिंपली एक फ़ोटो खींचनी है जिसमें रोशनी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। नेक्स्ट अब यहाँ पे सेल्फी जो है हमारी जो हो चुकी है सबमिट कर दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस बैंक अकाउंट आपको लोन लेना है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट है, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो सा भी होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है इनकम, अब इनकम वेरीफाई करने के लिए आपको बताना है कि जिस बैंक में आपकी जो महीने की कमाई आती है कुछ भी होता है जो भी, वो आपको बताना है किस में आती है, ओके। यहाँ पे नेट बैंकिंग है जो कि फास्ट है और बैंक स्टेटमेंट है थोड़ा स्लो है, ओके।
इनमें से जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अपलोड बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको यहाँ पे साल भर की या एक दो महीने के जितने भी बोला जाए आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए वो सेंड करना होता है। और अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो एक मिनट के अंदर इंस्टेंटली हो जाएगा। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहेंगे तो यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यूज़र नेम टाइप कर देंगे, पासवर्ड टाइप कर देंगे, तो यहाँ पे मेरी जो नेट बैंकिंग से वेरीफाई हो जाएगी इनकम। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है हमको। ओके, बोला जा रहा है योर लोन अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द एंड टू द ईएमआईज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। यानी यहाँ पे आप अकाउंट डिटेल आप उस बैंक की डालिए जिसमें कि आपका चाहते हैं कि आपके लोन के पैसे आए और उसी में से ईएमआई कटे। ओके, यहाँ पे वो वाला बैंक सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे, फिर से अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी करेंटली थर्ड स्टेप में जिसमें हमको नैच सबमिट करना है। यानी देखिए दो स्टेप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा स्टेप जो है वो नैच ऑटो डेबिट का है। उसके लिए करना है कि आपको यहाँ पे सिंपली आना है, ऑटो डेबिट सेटअप जो है डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू में से जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डिटेल सारी बन के आ चुकी है। यहाँ पे नेट बैंकिंग वाला जो सेक्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और नेट बैंकिंग से जो हम नैच ऑटो डेबिट कर लेंगे, जिसमें कि होता क्या है आपकी जो भी ईएमआई आएगी वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी, आपको खुद से मतलब अपने आप से जो है मतलब ईएमआई को पे नहीं करने, ऑटोमेटिकली वो कट जाएगी आपके बैंक अकाउंट से जो भी डेट आएगी। ओके, सबमिट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी करेंटली जो है वो है हम फोर्थ स्टेप पे। अब बोला जा रहा है रिव्यू करिए और सबमिट करिए अपने अग्रीमेंट को, यानी लोन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको रिव्यू पे क्लिक करना है और फिर आपके पास लोन के पैसे भेजे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको लास्ट स्टेप बच रहा है, यहाँ पे रिलेवेंट किसी का फ़ोन नंबर देना है या अपने फादर मदर किसी का भी अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि रिव्यू लोन डिटेल, ये सारी डिटेल है कि इतने इतने का लोन मिल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट है, इतने पैसे बैंक में आएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी जो हमने हाइड कर रखे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। आपको रीड करना है फिर कंटिन्यू पे क्लिक। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अग्रीमेंट है, इसको साइन करने के लिए वेरीफाई करना होगा ओटीपी से। साइन अग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे बोला गया है कि मनी ट्रांसफ़र टू बैंक या इन प्रोग्रेस में, यानी कि बोला जा रहा है वेटिंग फॉर बैंक टू इनिशिएट डिसबर्समेंट, और जिसमें एक बिजनेस डे बोला गया है, लेकिन जनरली ये 5-10-15-20 मिनट के अंदर बैंक में पैसे आ जाते हैं। जो भी लोन अमाउंट है, जैसे मेरा लोन अमाउंट है 1,20,000 का, वो 1,20,000 जो है अराउंड 15-20 मिनट 30 मिनट या फिर 2 घंटे के अंदर बैंक में आ जाएंगे। मैक्सिमम टाइम बोला गया एक बिजनेस डे, एक दिन लगता है इसको आने में, लेकिन उससे पहले ही आ जाते हैं। ये प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन के, वहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को कमेंट करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।